अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जुम्मे का दिन है, हम लोग तैयार हैं बाहर जाने के लिए और ये मेरी लुक है। आप देख सकते हैं मैंने नया अबाया पहना है जो कि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा है, और पीछे का मिस इग्नोर कर दीजिएगा। और ये मेरा लुक था, आई मेकअप था जिसको मैंने मरून में और ब्लैक स्मोकी में किया था, काफ़ी अच्छा लगा था। लिपस्टिक मैंने पीच में रखी थी और दिस इज़ अ फाइनल लुक। अभी हम लोग घर से बाहर जा रहे हैं और आपसे मिलते हैं बाहर। Tell me what's up, show me how to feel under your control. Everything is real, so hit me. So hit me. So hit me. First a confession, with you I feel a connection. With you it's like an infection, I've been infected with an obsession. With you never any tension, nothing but love and affection. Enough of my case, so let's cut to the chase. Listen up, cause these are the directions. Obey what I say, don't complain, I don't wanna hear questions. घर से निकल कर अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने, वरना हम लोग कॉफ़ी लेते हैं। आज कॉफ़ी नहीं पीनी, आज पीनी है चाय। और यहाँ पे एक नई कॉफ़ी शॉप खुली है जहाँ पे आपको मिट्टी के बर्तन के अंदर चाय देते हैं, तो मैंने उसकी बहुत तारीफ़ें सुनी है। तो मैंने कहा हम भी वहाँ जाते हैं और जाके वहाँ के चाय ट्राई करते हैं। तो जी ये माबेला में है, जो लोग लोकेशन पूछना चाहेंगे तो ये माबेला में है। मैं खुद पहली बार जा रही हूँ, मैं पीती हूँ, बताती हूँ अच्छी है, वर्थ करती है कि नहीं करती है, क्योंकि ये रेगुलर चाय से थोड़ी महंगी है। तो दिस इज़ अ शॉप और काफ़ी रश है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, और बहुत मशहूर हो गई है जगह। और मैंने भी इसके बारे में काफ़ी सुना था, तो मैंने कहा चलते हैं हम भी पीते हैं मिट्टी के बर्तन में जो चाय मिलती है, देखते हैं उसका क्या टेस्ट है। ज़्यादातर तो पाकिस्तान में और काफ़ी कंट्रीज़ में अब वो मिट्टी के बर्तन में आपको देते हैं अच्छे से गर्म कर कर, और बहुत टेस्टी लगती है वो। मैंने पाकिस्तान में ट्राई की थी, यहाँ पे पहली बार है। तो हमने अभी ऑर्डर प्लेस कर दिया है, ये बिल्कुल सामने वाला कॉफ़ी शॉप है जहाँ से ये चाय मिलती है। तो पीते हैं और देखते हैं कि अच्छी है कि बुरी है, क्योंकि मुझे बहुत कम चीज़ें होती हैं जो कि पसंद आती हैं, जिनकी ज़्यादा हाइप होती है वो कम ही होती हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं। तो पहले यहाँ जाते हैं, इसके बाद एक और जगह नई ओपन हुई है वहाँ पे हमने डिनर करने जाना है। तो जब वहाँ पे जाएंगे तो भी आपको बताऊँगी कि वो वर्थ करती है कि नहीं करती है। पहले चाय पीते हैं और आपको बताते हैं कि सोचिए ये आ गई चाय। और कहते हैं ना ऊंची दुकान फीका पकवान, और वो भी एक और कहावत भी है, सिचुएशन में बिल्कुल सही जा रही है कि खोता पहाड़ और निकला चूहा। और ये वही सिचुएशन थी कि मिट्टी का सिर्फ ग्लास था, उसके अंदर ठंडी चाय थी, टेस्टलेस चाय थी और टी बैग वाली चाय थी, कड़क भी नहीं थी। एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड एंड आई एम शॉक्ड कि उन्होंने ये क्या किया है। मेरे माइंड में था कि एक गर्म कड़क चाय आएगी मिट्टी के ग्लास के अंदर, उसमें से मिट्टी की खुशबू आ रही होगी और एक अलग सा फ्लेवर होगा उस चाय का। बिल्कुल भी नहीं जी, बहुत ही बेकार चाय थी। मैं खाने को बुरा नहीं कह रही, लेकिन जिसने भी ये आइडिया निकाला है लोगों को पागल बनाने का, उसको इसको सही करना चाहिए। एटलीस्ट जिस तरह ये चाय प्रेजेंट होती है उसी तरह करनी चाहिए थी। मुझे तो चाय का टेस्ट भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत ही फीकी सी टेस्टलेस पानी ही पानी था। तो यहाँ पे जी नेशनल डे आने वाला है ओमान का, तो उसकी तैयारियाँ होना शुरू हो गई हैं, लाइट्स लग रही हैं और रोड के सेंटर में सारे फ्लैग्स लग रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनकी तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी और 18 नवंबर तक पूरा मस्कत और पूरा ओमान जगमग करना शुरू हो जाएगा। तो तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पर। अभी हम लोग जा रहे हैं जी, मैं अलखोत जा रही हूँ। अलखोत में एक आउटलेट है जहाँ पे अबायास पे सेल लगी है, और वो आई थिंक अपनी आउटलेट वाइंड अप कर रहे हैं। बहुत बड़ा सेटअप है उनका जहाँ पे आपको
बहुत अच्छे अभाए जो हैं वो अपनी हाफ से भी हाफ के प्राइस में मिल रहे हैं, तो मैं भी इसी चक्कर में जा रही हूँ कि मैं जाती हूँ शायद मुझे भी कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाए वहाँ पे, क्योंकि जो अबाया 25 का है वो 10 का मिल रहा है, जो 35-45 का है वो 15 का मिल रहा है, और इसी तरह प्राइसेस कम है 6 रियाल, 8 रियाल, 10 रियाल, 15 रियाल के अंदर अबाया से मिल रहा है। तो चलिए आपको मैं वहाँ लेके जाती हूँ और आपको वहाँ के अबायास दिखाती हूँ। सो जी मैं आ गई हूँ और मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ, अलहोद में कॉटन हाउस के बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में, बिल्कुल इसके बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में है जी हाई कलेक्शन के नाम से, फर्स्ट फ्लोर पर ये आउटलेट है, ये पूरा का पूरा आउटलेट है जहाँ पे आपको अबायास मिलते हैं। तो ये मैं अंदर आ चुकी हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या रेट्स हैं और किस तरह के अबायास हैं। यहाँ पर जी टोटल 8,000 से भी ज़्यादा अबायास थे, क्योंकि मैंने इनसे पूछा, उन्होंने बोला टोटल 8,000 से भी ज़्यादा अबायास हैं जिन पर उन्होंने सेल लगाई है, और बहुत अच्छे अबायास थे ये, क्योंकि उन्होंने सेल में लगाए हैं तो आपको साइज़ ढूंढने पड़ेंगे अपने हिसाब से, ऑल्टर करना पड़ेगा, और कुछ इनमें वो जो ऑर्डर पे तैयार करते हैं और लोग नहीं लेने आते, इनमें बहुत से वो अबायास थे जो कि अनटच हैं, कुछ इनके खुद के जो ये बनाते हैं सैंपल के लिए वो भी थे, और ज़्यादातर इसमें वही थे जो ऑर्डर्स पे रेडी होते हैं और लोग आते नहीं हैं लेने, और कुछ इनकी अपनी कलेक्शन थी जो कि ये इन्होंने सेल पर लगाई थी। तो जैसे ये अबाया था ये मुझे अच्छा लगा था, इसकी प्राइस 15 रियाल थी, वैसे ये बोलते हैं कि ये उन्होंने 35 का अबाया था, इसकी ओरिजिनल प्राइस 35 रियाल थी, और इसी तरह के और भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अबायास है। तो मैक्सिमम जो ये ले रहे हैं 15 रियाल ले रहे हैं, और कम से कम जो ले रहे हैं वो ये 6 रियाल 8 रियाल ले रहे हैं एक अबाया का। तो अगर हम खुद से भी ऑर्डर पे अबाया बनाते हैं तो 6 रियाल का तो खाली कपड़ा आ जाता है, 7-8 रियाल का, और फिर स्टिचिंग, फिर उसके ऊपर जो काम होता है अगर उसको करवाएं तो अबाया काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो मैं आपको सारे डिज़ाइन शो करती हूँ, और अगर आप में से कोई आना चाहता है तो लोकेशन मैंने ऊपर मेंशन कर दी है, ज़रूर आएँ, और यहाँ से अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें। साइज़ आपको ढूंढने पड़ेंगे लेकिन आपको आपकी मर्ज़ी की चीज़ मिल जाएगी। Thank you.
सो जी ओमानी ड्रेसेस पे भी सेल थी और ये पूरे की पूरी जो कलेक्शन थी ये 6 रियाल पर पीस थी, जिसमें शर्ट पीस है पूरा, उसके ऊपर नेक के ऊपर पूरा अच्छा खासा काम है कढ़ाई का, सीक्वेंस का, और साथ में इसमें से शला निकलता है सेम शर्ट जैसा, बिल्कुल सेम इनका दुपट्टा भी निकलता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी ऑफ़र थी, क्योंकि यूजुअली इतना काम 6-8 रियाल में तो ये काम भी नहीं होता मार्केट में, लेकिन क्योंकि आई थिंक ये वाइंड अप कर रहे हैं अपनी आउटलेट, तो इन्होंने हर चीज़ के रेट्स बहुत कम किए हुए थे। और ये सारे सिल्क पे थे, कॉटन पे थे, फिर शिफॉन पे ये सारा काम हुआ हुआ था। तो अगर आप में से कोई इस तरह की लॉन्ग मैक्सीज पहनता है, इसको हम लोग एज अ पाकिस्तानी शलवार सूट पीस भी बना सकते हैं, लाइक दुपट्टा और शर्ट बना सकते हैं इसका। अगर आप में से कुछ लोग इस तरह की ड्रेसिंग करना चाहते हैं या उनको ऐसे कपड़े पहनना पसंद है, तो मेरे कहने पे एक बार ज़रूर यहाँ पे आइएगा, आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि मुझे, मेरा दिल कर रहा था कि मैं एक आधा ये वाला शर्ट दुपट्टा ले कर देखूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कॉटन में लूँ कि सिल्क में लूँ। और बहुत ही खूबसूरत कढ़ाइयाँ हुई हुई थी इनकी नेकलाइंस पे। ये सारी जो रेंज थी ये कॉटन पे थी, फिर जो मैंने आपको पहले दिखाई वो सिल्क पे थी, अब ये जो ऊपर मैं आपको दिखाने लगी हूँ इंतहा ही खूबसूरत था ये सिल्क पे था प्लेन में, और इसके ऊपर ये सारा सीक्वेंस का काम था, अच्छा खासा हैवी था ये, और बहुत खुला कपड़ा है ये, कि हर तरह की साइज़ में ये आप अपने साइज़ के मुताबिक इसको स्टिच करवा सकते हैं। तो ये फुल रेंज ये थी। इसके अलावा यहाँ पे पार्टी वेयर ड्रेसेस भी हैं, फुल जो मैक्सीज होती हैं, फ्रॉक्स होते हैं, लॉन्ग ड्रेसेस होते हैं, वो भी थे, जो कि 4 रियाल, 6 रियाल, 8 रियाल में आपको मिल रहे हैं। तो इस आउटलेट पे काफ़ी कुछ है लेने के लिए, लेकिन मसला यही है कि आपको आके अपना साइज़ ढूंढना पड़ेगा। ऑल्टर करने के लिए वहाँ पे टेलर मौजूद है, जिसको आप अपने मेजरमेंट से देंगे तो वो आपको उसी वक्त टेलर आपके हिसाब के मुताबिक ऑल्टर करके कपड़े दे देगा। तो ये सारे आप देख सकते हैं अबायास ही अबायास है, और साथ में पार्टी वेयर और फॉर्मल ड्रेसेस भी थे यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी कलेक्शन थी यहाँ पे। तो अगर आप में से कोई आना चाहता है तो ज़रूर आए, लोकेशन मैंने मेंशन कर दी है, इनका इंस्टाग्राम पेज भी मैं आपको मेंशन कर रही हूँ। सो जी अब हम जा रहे हैं एक कैफ़े ट्राई करने, हस्बैंड ने ट्राई करना है आई एम ऑन डाइट, तो जी मैं तो अपने ओट्स जो हैं वो घर जाके खाऊंगी। और काफ़ी लोग मुझसे पूछे थे कि चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं, तो आप पी सकते हैं, एक कप पी सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पी सकते, लेकिन कोशिश करिएगा कि चीनी ना डालें उसके अंदर। और दूसरी बात ये कि अभी हम लोग यहाँ पे खान कैफ़े ट्राई करने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग जैसे लोकेशन पर पहुँचे और हमने इनको ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश की, तो उन्होंने हमें बोला कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आज फ्राइडे था, रश बहुत था और कुछ भी नहीं था खाने को। तो जी ये जैसे कराची वाला है यहाँ पर रेस्टोरेंट है, सेम उसी से ही मिलता जुलता खान कैफ़े खुला है, और इनका जो मेन्यू था वो पेशावरी स्टाइल का था और काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला खाने को। सो आज हम जहाँ भी गए हमें कुछ खास नहीं मिला, क्योंकि चाय भी तो वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसके अलावा हस्बैंड काफ़ी एक्साइटेड थे इस कैफ़े को लेके, क्योंकि उनको काफ़ी तारीफ़ें सुनने को मिली थी, लेकिन हमें कुछ मिला ही नहीं वहाँ पर। तो हस्बैंड ने अपने लिए शवारमा ले लिया था और मैं घर जाके ओट्स खाने वाली हूँ। तो ये मेरा आज का व्लॉग था, अच्छा लगा है तो थम्सअप दे दीजिएगा। आपसे मिलती हूँ कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।